1971 की पाक भारत जंग हंगामा खेज नतीजे के तौर पर टूटे हुए पाकिस्तान के पस मंजर में जुल्फकार अली भुट्टो सफारतकारी की एक बुलंद पाया शख्सियत के तौर पर उभरे। पाकिस्तान के सदर की हैसियत से भुट्टो को हिंदुस्तानी हिरासत में कैद पाकिस्तानी जंगी कैदियों यानी प्रिजनर्स ऑफ वार की रिहाई की बातचीत करने के मुश्किल काम का सामना करना पड़ा। इन कैदियों की तादाद तकरीबन 90,000 थी। जुल्फकार अली भुट्टो की क्यादत और सफारती काबिलियत इन कैदियों की वापसी को यकीनी बनाने और मुफाहमत की तरफ रास्ता तय करने में अहम साबित हुई। 1971 की पाक भारत जंग, जिसे बांग्लादेश की आजादी की जंग भी कहा जाता है, पाकिस्तानी तारीख का एक नाकाबले फरामोश वाकया है। यह जंग तकरीबन 2 हफ्ते तक जारी रही, जिसका दर्दनाक अंजाम 16 दिसंबर 1971 को 93,000 पाकिस्तानी फौजियों के हथियार डालने और बांग्लादेश के क्याम के साथ हुआ। भुट्टो ने इन कैदियों की रिहाई के लिए मुसलसल सफारती कोशिशों का आगाज किया। जाती सफारतकारी, शटल डिप्लोमेसी और आला सतही मुजाकरात के जरिए भुट्टो ने वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी समेत हिंदुस्तानी रहनुमाओं के साथ बातचीत की और जंगी कैदियों की पाकिस्तान वापसी में सहूलत फराहम करने के लिए बैन अलाक़वामी सालसों, जिनमें अमरीका और उस वक्त का सोवियत यूनियन नुमाया था, की मदद तलब की। जुल्फकार अली भुट्टो की हिकमत अमली का मरकज शिमला मुआहदा था, जो पाक भारत तालुकात की तारीख का एक अहम संगे मील साबित हुआ। 2 जुलाई 1972 को शुमाली भारतीय रियासत हिमाचल प्रदेश के खूबसूरत शहर शिमला के मुकाम पर दस्तखत किए गए इस मुआहदे का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान तालुकात को मामूल पे लाना और खत्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए एक फ्रेमवर्क कायम करना था। इसकी दफात में प्रिजनर्स ऑफ वार के मसाइल को हल करने के लिए मखसूस शिकें थी, जो 90,000 फौजियों की पाकिस्तान वापसी के तेज रफ्तार अमल का हाका पेश करती थी। शिमला मुआहदे के तहत हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों ने जिनेवा कन्वेंशन के असूलों के मुताबिक तमाम जंगी कैदियों और एक दूसरे की तहवील में रखे गए कैदियों को वतन वापस भेजने का अहद किया। इस मुआहदे में कैदियों के मुकदमात का जायजा लेने और उनकी वतन वापसी में सहूलत फराहम करने के लिए एक मुश्तरका अदालती कमीशन का क्याम भी शामिल था। इसकी दफात पर अमल दरामद के लिए तरीक़ाकार भी कायम किया गया था। इस कमेटी ने वतन वापसी के अमल की निगरानी, बैन अलाक़वामी इंसानी कानून की पासदारी को यकीनी बनाने और पैदा होने वाले मसाइल या तनाज़ात को हल करने में अहम किरदार अदा किया। मजीद बरा शिमला मुआहदा वसी तर असूलों पर मुश्तमिल था। इस मुआहदे का मकसद खित्ते में देर पा अमन और इस्तेहकाम को फरोग देना था। इस मुआहदे के तहत दोनों ममालिक के तमाम तस्वीर तल मसाइल को पुरअम तरीकों से हल करने और एक दूसरे की इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी का एहतराम करने के अज़्म पे जोर दिया गया था। मुआहदे में जंग से पहले की पोजीशंस पर अफवाज के इनखला और जम्मू और कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल, जिसे सीज फायर लाइन भी कहा जाता था, का एहतराम शामिल था। शिमला मुआहदे पे दस्तखत के साथ ही गिरफ्तार फौजियों की वतन वापसी के लिए पहिए हरकत में आ गए। फरवरी 1972 में 5,000 जंगी कैदियों की पहली खेप पाकिस्तान के लिए रवाना हुई और बाकी जंगी कैदी फरवरी में ही अगली 2 किस्तों में पाकिस्तान भेजे गए। यह सब भुट्टो की सफारती कोशिशों का नतीजा था। इस तरह दोनों ममालिक के दरमियान मफाहमत की राह में खायल रुकावटें बतदरीज दूर हो गईं। जंगी कैदियों की रिहाई के लिए मुजाकरात में भुट्टो साहब का किरदार चैलेंजेस से खाली नहीं था। उन्हें फौजियों की वापसी को महफूज बनाने के लिए पाकिस्तान के अंदर से दबाव का सामना भी करना पड़ा। साथ ही तनाजा के नतीजे में जमीन को तस्लीम करने से मुतल्लिक भारतीय रहनुमाओं की जानिब से शकूक व शुबहात और मज़ाहमत का सामना भी करना पड़ा। ताहम साबित कदमी, अमलियत पसंदी और बातचीत के अज़्म के जरिए भुट्टो साहब एक सफारती पेशरफ्त हासिल करने में कामयाब हुए, जिसने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मफाहमत की नई राह हमवार की। 1971 की पाक भारत जंग में 90,000 जंगी कैदियों की वतन वापसी, भुट्टो की क्यादत मदबराना सलाहियतों और सफारती जहानत के साथ साथ जंग के बाद की कशीदगी को हल करने और अमन को फरोग देने में शिमला मुआहदा की अहमियत नाकाबले तरदीद सबूत है। शिमला मुआहदा बरसगीर पाक हिंद में इस्तेहकाम तकसीम से बालातर होने, जख्मों को मंदमिल करने और सबके लिए रोशन मुस्तकबिल की राह हमवार करने के लिए सफारतकारी की ताकत की एक उमदा मिसाल था।